घर से निकलने के बाद ना ऐसा भर भर के फीलिंग आ रहा है कि यार शिट, मुझे फिर से जाना पड़ रहा है उज्जैन छोड़ के। यानी मुझे ना उज्जैन से जाते वक्त ना मतलब मुझे कोलकाता जाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ना उज्जैन से जाते वक्त ना मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, यार मैं क्यों जा रही हूँ, नहीं जाए तो नहीं चलेगा क्या, जाना बहुत ज़रूरी है, ये फीलिंग मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मैं ना अभी स्टेशन में बैठी हुई हूँ ना, बहुत ना मतलब डीपली तरीके से लग रहा है कि यार मैं जाए क्यों रहा हूँ, नहीं जाऊँ तो नहीं चलेगा क्या। कोशिश में हूँ कि खुद को एक्सक्यूज दूँ कि ठीक है मत जा, कोई बात नहीं, वहाँ सब मैनेज हो जाएगा, बट अंदर ही अंदर पता है कि नहीं जाना ज़रूरी है, वहाँ पे मैनेज कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी जो बवाल हुआ स्टार्ट हुआ था उस पर मैंने लीगली एक्शन लिया था, पुलिस वालों की तरफ से कार्रवाई स्टार्ट हो गई है और मम्मी अकेले ये सब नहीं झेल सकती तो मुझे जाना पड़ेगा, मजबूरन मुझे उज्जैन से जाना पड़ेगा। मुझे नवरात्रि के पहले में बिल्कुल जाना पसंद नहीं है, आई लव दुर्गा पूजा, बट मुझे नवरात्रि के डांडिया भी बहुत पसंद है, मुझे गरबा देखना करना बहुत अच्छा लगता है, और ना इस साल इनमें से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ दुर्गा पूजा की कुछ देर इंजॉय करूँगी। ट्रेन आ गई, मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ एंड इस बार ना मेरी फेवरेट सीट पड़ी विंडो इमरजेंसी सीट। आज का दिन ठीक है, कल का भी दिन ठीक है, बट कल की शाम से मतलब 7 बजे के बाद से मैं जब बिहार में एंटर कर जाएगा उसके बाद थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा इस ट्रेन में ये सीट लेना, कोई ना सफ़र काट लेंगे। ट्रेन से ट्रैवल करने की ना एक सबसे अच्छी बात होती है कि नेचर का बहुत अच्छा अच्छा व्यू मिलता है, यही देखो ना पहाड़ों पे कैसे बादल जैसे जमा हो रखा है, नदियों में बहता हुआ एकदम भरा हुआ पानी कितना प्यारा लग रहा था यार, मतलब हदी बहुत सुंदर नज़ारे थे ट्रेन के। सच्ची किस्मत ना इतना ख़राब है कि क्या बताएं, कहाँ मैंने सोचा था कि मैं टाइम से पहले मतलब जिस डेट को मेरे को जाना था उससे पहले घर पहुँच जाऊँगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छी खासी ट्रेन जा रही थी मुगलसराय तक, पंडित दीनदयाल स्टेशन तक सही सलामत आई, और वहाँ से नोटिफिकेशन आ गया कि ट्रेन का रूट ही बदल दिया है, जहाँ इसको सासाराम जाना चाहिए था उसकी जगह ये पहुँच गई, अब जा रही है पटना, अब पहले पटना जाएगी, पटना से फिर आसनसोल जाएगी, फिर वो उसके बाद में हावड़ा जाएगी, इट मीन्स मैं कल शाम तक घर पहुँचूँगी। जितनी जल्दी करो उतना ही लेट होता है, पता नहीं क्यों बट ट्रैक बदल गया है, और पता है इसमें ना जिन लोगों को गया जाना था ना उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आफत आ गई है, कि मुगलसराय के 3 स्टॉप बाद गया आता है, अब इन लोगों को पटना जाना, पटना उतरना पड़ेगा, वहाँ पटना से रेलवे वालों ने ट्रेन का इंतज़ाम किया है जो पटना से गया जाएगी, जो उल्टा ही हो गया सब कुछ। मेरा तो फिर भी अच्छा है कि एक ही ट्रेन में को हावड़ा जाना है, बट जिन लोगों को वहाँ जाना उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी ना यार।